आज का सवाल है, रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों को लिखिए। यानी रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। यानी बोल्शेविक क्रांति के प्रमुख कारणों को आज लिखना है, तो इसका जवाब यानी आंसर आप किस तरीके से लिख सकते हैं ये जानेंगे। तो सबसे पहले आपको आंसर में लिखना है कि रूसी क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे, यानी जो इम्पोर्टेंट रीजन्स थे रूसी क्रांति के वो नीचे दिए गए हैं। इसका मतलब आपको ये लाइन छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, रूसी क्रांति के कारण निम्नलिखित है इसको लिखना ही है। उसके बाद आपको पहला कारण है निरंकुश शासक, यानी रूस में जो शासक थे उस समय के जार निकोलस वो एक निरंकुश शासक था, मतलब वो कुछ जनता से मतलब नहीं रखते थे, बेकार सा राजा था और अयोग्य शासक, मतलब लायक ही नहीं था वो राजा बनने का, तो वो था निरंकुश शासक। आपको ये लिखना है पहला कारण निरंकुश शासक, रूस का जार यानी जो रूस में राजा हुआ करता था उसको जार कहा जाता है। तो जार निकोलस जो था एक निरंकुश और अयोग्य शासक था, ये पहला रीजन लिखना है आपको। दूसरा है किसानों की दयनीय स्थिति, मतलब किसानों की जो बद से बदतर हालत थी वो भी एक कारण बना रूसी क्रांति का। तो इसको लिखना है कि रूस के किसानों की स्थिति बहुत खराब थी, वे हमेशा कर्ज में डूबे रहते थे, ये रीजन बना था दूसरा। उसके बाद तीसरा है रूस जापान युद्ध, यानी रूस और जापान में जो युद्ध हुआ था जिसको क्रीमिया का युद्ध भी कहा जाता है। तो क्रीमिया का युद्ध में आपको पता होगा कि रूस हार गया था, किससे हारा था, जापान से। तो जापान एक छोटा सा देश है और रूस इस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, तो रूस एक छोटा सा देश से जब हारा तो रूस के लोगों में एक राजा के खिलाफ आक्रोश पैदा हो गया कि एक छोटा सा देश से हार गया। तो इसको लिखना है कि क्रीमिया के युद्ध में रूस हार गया तो जनता में जार के प्रति आक्रोश उत्पन्न हो गई। उसके बाद लिखना है चौथा कारण मिल मजदूरों की दयनीय स्थिति, मतलब जो मिल में काम करने वाले लोग थे, मजदूर थे, उनकी स्थिति भी बहुत खराब थी। अब किस तरीके से खराब थी ये देखिए, रीजन है कि मिल में जो मजदूर काम करते थे उनसे ज्यादा काम लिया जाता था, एक्स्ट्रा वर्क काम करा लिया जाता था लेकिन पैसा कम दिया जाता था, तो ये भी एक कारण बना। यानी मिल में मजदूर जो थे उनसे ज़्यादा काम लिया जाता था और उनको मजदूरी यानी पैसा जो है कम दिया जाता था, ये भी एक कारण बना था जो चौथा कारण है। तो पहला कारण निरंकुश शासक, उसके बाद दूसरा है किसानों की दयनीय स्थिति, तीसरा रूस जापान युद्ध में रूस का हार, चौथा है मिल मजदूरों की दयनीय स्थिति। तो इन चारों कारणों को आपको लिखना है। आई होप कि आप लोग सभी को समझ गए होंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।